इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइन एप्लीकेशन के अंदर हम परमानेंट नोटिफिकेशंस को कैसे बंद कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलती है ऐप्स, तो ऐप्स को खोल लेना होगा। और यहाँ पर हम Redmi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास Redmi का फ़ोन है तो आप ये प्रोसेस इजीली कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको परमिशंस पर जाना होगा। परमिशंस पर जाने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर फिर आपको परमिशंस अदर परमिशंस पर जाना होगा। और जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलती है ऐप्स पर, जैसे हम क्लिक करते हैं साइड में पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको परमिशंस दिख जाती है, पर आपको यहाँ पर नीचे जाना होगा। नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी परमानेंट नोटिफिकेशंस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर लाइन एप्लीकेशन दिख जाती है। तो जैसे ही आप इस पर टिक करते हैं, डिने करते हैं, तो यहाँ पर ये बंद हो जाती है। और जैसे ही आप इसको चालू करते हैं तो यहाँ पर चालू भी हो जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है इसको बंद चालू करने का। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।